चुनाव के संबंध में जालौन डीएम ने की प्रेस वार्ता। डीएम ने बताया कि 25 जनवरी से लगेगी अधिसूचना। तीसरे चरण में जालौन की 3 विधानसभा के लिए होगा मतदान। डीएम ने बताया 12,78,538 मतदाता करेंगे मताधिकार का प्रयोग। जनपद में 18,510 बनाए गए नए मतदाता। जनपद में पुरुष मतदाता की संख्या 6,88,925 और महिला मतदाता 5,89,521 है। जनपद में बनाए गए 1,035 मतदान केंद्र। मतदान स्थलों की संख्या 1,613। मध्य प्रदेश की सीमा से जुड़े होने के कारण बनाए गए 9 बॉर्डर चेक पोस्ट। सीसीटीवी कैमरों से की जाएगी चेक पोस्ट बॉर्डर की निगरानी। जनपद में 45 क्रिटिकल और 251 बनाए गए बर्नेबल बूथ। 50% बूथों पर होगी वेबकास्टिंग। 188 सेक्टर 17 जोनल और 150 स्टैटिक मजिस्ट्रेट की होगी तैनाती। जनपद में मंगाई गई 60 कंपनी पैरामिलिट्री। 12,000 से अधिक पुलिस रहेंगे तैनात। जालौन के डीएम प्रियंका निरंजन और एसपी रवि कुमार ने दी जानकारी। पच्चीस तारीख से अपने यहाँ अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। अपने यहाँ कितने मतदाता बनाए गए हैं और कितने मतदान? देखिए, जनपद जालौन में कुल 1,035 जो है वो मतदान केंद्र हैं और 1,613 मतदान स्थल बनाए गए हैं, जिनमें 12,78,538 हमारे कुल मतदाता हैं, जिसमें 6,88,925 पुरुष मतदाता हैं और 5,89,521 महिला मतदाता हैं। इस जनपद का जो विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण हुआ था, इसमें हमने लगभग 36,026 नए मतदाता जोड़े थे और 17,516 मतदाता जो हैं वो डबल एंट्री के कारण या किसी जो भी कारण थे उनके कारण डिलीट किए गए हैं। हमारे जनपद में निर्वाचन जो है निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से कराने के लिए सभी व्यवस्थाएँ की गई हैं। इसमें फ्लाइंग स्क्वाड टीम, वीडियो सर्विलांस टीम और स्टैटिक सर्विलांस टीमों का गठन किया गया है। और साथ ही चूँकि जनपद का बॉर्डर मध्य प्रदेश की भिंड लाहर विधानसभा से लगता है, भिंड जनपद की, इसके लिए 9 बॉर्डर चेक पोस्ट भी बनाई गई हैं और उन सभी पर नियुक्ति की गई हैं। आबकारी और पुलिस की संयुक्त टीमें बनाकर निरंतर चेकिंग की जा रही है ताकि किसी भी तरह की कोई घटना इस तरह से ना हो। और जनपद में क्रिटिकल 45 बूथ हैं और वल्नरेबल जो है 251। इस प्रकार टोटल जो है 296 संवेदनशील बूथों की श्रेणी में रखा गया है और कुल बूथ के लगभग 50% बूथों पर वेबकास्टिंग की व्यवस्था की जाएगी। इसके अतिरिक्त हमने 188 सेक्टर मजिस्ट्रेट, 17 जोनल मजिस्ट्रेट भी लगाए हैं और स्टैटिक मजिस्ट्रेट भी लगभग 150 की संख्या में रिजर्व रखे हैं, जिन्हें आवश्यकता अनुसार विभिन्न मतदान केंद्रों पर लगाया जाएगा। और हमारे जनपद में लगभग 60 कंपनियों की मांग फोर्स की उपलब्धता हेतु की गई है। लगभग 12,000 की फोर्स जनपद में चुनाव कराने के लिए उपलब्ध रहेगी और हम आशा करते हैं कि हमारा चुनाव जो है वो निष्पक्ष, शांतिपूर्ण, पारदर्शी तरीके से संपन्न हो। चुनाव में मैम धन का प्रयोग ज़्यादा किया जाता है, तो उसके लिए क्या टीमें बनाई गई हैं, कहाँ कहाँ से पोस्ट बनाए, जिससे कि कैश का ट्रांजेक्शन ज़्यादा ना हो इसके कहीं? हाँ, इसी के लिए ही मैंने आपको बताया है कि 9 SST स्टैटिक सर्विलांस टीम, 9 फ्लाइंग स्क्वाड टीम और 3 हमने वीडियो सर्विलांस टीम बनाई है। इसके साथ ही जो हमारे उम्मीदवार होंगे उनको निर्वाचन आयोग द्वारा जैसे निर्देश दिए गए हैं कि अपना एक खाता पृथक से खोलेंगे, 10,000 से अधिक का कोई कैश ट्रांजेक्शन नहीं करेंगे और जो हमारे चीफ ट्रेजरी ऑफिसर है उनको इस व्यय संबंधी पूरी ये मॉनिटरिंग की जिम्मेवारी दी गई है और हम इंश्योर करेंगे कि इस तरह की कोई घटना हमारे जनपद में ना आए।